अच्छा ये देखिए, आज हम रिव्यू करेंगे कि भाई जो कर्व है ना ये कैसे हम लगाएंगे। यानी फर्ज़ करिए हमारे पास ये सीधा जो है ना ये हमारे पास कर्व स्टोन लगा हुआ है, ठीक है। अच्छा कर्व स्टोन ये इसके आप एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे एक लेयर अभी रहती है, ठीक है। यहाँ पे एक लेयर हमने अभी डालनी है, तो हमने इसका क्या सोल्यूशन निकाला, हमने ये देखे वो जो कंक्रीट खुदाई करके करनी थी वो हम लोगों ने खुदाई नहीं की, बल्कि इसी के ऊपर ही हमने जो है ना कंक्रीट कर दिए। तो नेक्स्ट लेयर जब आएगी तो वो इसी के साथ आएगी। बिल्कुल इसमें ये बात तो है कि ख़तरा तो होगा बरदूरे के इसके जो है ना कर्व स्टोन के टूटने का, लेकिन चूंकि ठेकेदार को आपको पता जल्दी होती है तो उसकी खुशी के लिए हमने लगा दी, उसने मांगा हमने लगा दिया। मसला क्या है, मसला यहाँ से ये आपको नज़र आ रहा है, यहाँ से ये इधर 40 डिग्री के ऊपर है, 45 डिग्री के ऊपर है, ठीक है। और इसके ऊपर जो है ना ये पार्किंग होगी गाड़ियों की, ठीक है, ये पार्किंग है। मसला है अभी इधर है असल, ये आपने जो कर्व स्टोन है, कर्व स्टोन आपने कैसे लगाना है। कर्व स्टोन के जो यहाँ पे ये दो रोडों का जो इंटरसेक्शन है, यहाँ पे हमें जो है ना ये गुलाई में चाहिए। तो हमने क्या कर दिया, हमने ये स्टार्ट का स्टार्ट ऑफ कर्व, यहाँ पे एंड ऑफ कर्व, यहाँ पे एक बीच में सेंटर ऑफ कर्व भी हम निशान लगा दिया। फिर कर्व का हमने यहाँ पर रेडियस लगाया, ये हमारा रेडियस है, ठीक है, ये हमारा रेडियस है कर्व का। फिर हमने क्या कर दिया जी, ये जो स्टार्ट ऑफ कर्व है इसके ऊपर इसको ऐसे बारीक बारीक जिस रस्टिक पकड़ के खड़ा है, आप घुमाओ जाओ सदी, ये इस हिसाब से आप चलते जाओ चलते जाओ, ठीक है। जैसे जैसे आप चलते जाएंगे ये लकीर बनती जाएगी। अब इसका फ़ायदा हमें क्या है, हमें फ़ायदा इसका ये है कि जिस तरह अभी यहाँ पे ये जो है ना ये आपके वॉल बने हुए, ठीक है, ये बीच में ये पड़ा हुआ है, ठीक है। तो वॉल अगर आप बीच में आता है तो आप इसको उठाओ बेशक, उधर से डोरी अपनी टाइट करो और यहाँ से आगे करो। फिर यहाँ पे बीच में कोई और जो है ना आपको कोई चीज़ आती है जो आपको रोकती है, एक रुकावट आती है, उधर से उठा के दूसरी साइड पर रखो और इसको ऐसे तरतीब तरतीब से ऐसे इसको घुमाओ, ठीक है। ये स्टार ये एंड ऑफ कर पे पहुँच गया, ठीक है, एंड ऑफ कर पे पहुँच गया, खलास ये हमारी लकीर सी बन गई, लकीर बन गई। और उसके बाद आप इसके ऊपर जो है ना आप अपना चूना इसके ऊपर डाले, ठीक है। हमारा यहाँ पे वही सिस्टम है, यहाँ पे हमारा एक्सीवेशन नहीं है, यहाँ पे एक्सीवेशन हमारी नहीं है, ठीक है। तो एक्सीवेशन अगर हमारी नहीं है तो हमने क्या कर दिया, ये हमने ये जिस तरह ये पहली ये जिस तरह ये आपको नज़र आ रहा है, ठीक है जी, हमने एक मेख लगाई है, बजाय इसके कि हम यहाँ पे स्टिक लगाए, हमने मेखे लगाई हुई ताकि जो हेल्पर आपका है उसको ठोकने में भी जो है आसानी हो, ठीक है। ये जो मेख हमारी ये लगी हुई है, ये आपका जो कर्व स्टोन है ये इसका फ्रंट है, ठीक है, ये फ्रंट है। तो जिस वक्त अब यहाँ पे कंक्रीट होगी तो क्या होगा, हमें 5 सेंटी ज़्यादा कंक्रीट चाहिए, तो हम क्या करेंगे अपनी जो इसकी शटरिंग करेंगे 5 सेंटी इधर बाहर रख के इसकी जो है शटरिंग करेंगे, यानी जो हमारी डोरी है इससे 5 सेंटी हम बाहर रख के शटरिंग करेंगे ताकि हमें सेफ साइड के लिए जो है ना हम 5 सेंटी ज़्यादा कंक्रीट करते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से हम यहाँ पे अपनी शटरिंग करेंगे, 30 सेंटी पीछे हमारी शटरिंग होगी, यानी 30 सेंटी टोटल शटरिंग, 5 सेंटी फ्रंट 25 सेंटी पीछे, चूँ और हमारा जो है बरदूरा जो हमारा है ये हमारा टोटल 15 सेंटी का है। 15 सेंटी जो एक्स्ट्रा किस चीज़ के लिए है ये मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए ये 45 डिग्री के ऊपर है, ठीक है, इसको इसके साथ मिला है, ये क्या होगी यहाँ पे, ये पार्किंग होगी, ठीक है। तो ये सीधा आपने स्टार्ट में लगाया, बीच में लगाया और इस हिसाब से आपने लगाए, ठीक है। ये आप देख रहे हैं ये हम सीधे आए यहाँ से, फिर ये जो है ना पार्किंग, क्योंकि हमारा रोड तंग है, ये जो है ना घरों के सामने ये हमारे जो प्लाट बनेंगे उनके सामने जो है ना हमारे लिए किस्म की पार्किंग जो है ना उनके लिए है। यहाँ से ऐसे आए, ठीक है, यहाँ से 5 सेंटी हमने जिसका शटरिंग करेंगे, 5 सेंटी इधर, 25 सेंटी इधर ज़्यादा, 25 सेंटी इधर ज़्यादा, किस लिए ज़्यादा करते नीचे कंक्रीट, इसलिए इसको हम लोग अरबी में बोलते हैं हफ्सा, ये जो सपोर्टिंग कंक्रीट है, ठीक है, इसके सपोर्ट के लिए ताकि ये टूटे ना कल को जब इधर ये 15 सेंटी का हमारे पास ये हो गया, 15 सेंटी का हमारे पास ये कर्व स्टोन हो गया और 10 सेंटी तकरीबन 12-13 सेंटी तकरीबन हमारी ये कंक्रीट हो गई, इस कंक्रीट की मोटाई। तो ये किसके लिए सपोर्टिंग कंक्रीट है, ताकि इसके ऊपर अगर प्रेशर आए जोर आए तो इसको बर्दाश्त कर सके, ठीक है। तो जिस तरीके से हमने उसका कर्व लगाया था ऐसा ये हमारा पेडेस्ट्रियन स्ट्रीट है, यानी पैदल चलने वालों के लिए एक रोड से दूसरे रोड पे आने के लिए पेडेस्ट्रियन स्ट्रीट है। इसका क्या है, इसका ये देखिए, ये जिस तरह ये लगा हुआ है ना ये आपको नज़र आ रहा है, ये इसकी फिनिशिंग जो है इसकी हालत है, ठीक है। ये हमने लगाया, ये आप देखिए नज़र आ रहा है, ये पार्किंग है यहाँ पे, ये हमारे पास ये गाड़ियों की पार्किंग होगी। टोटल रोड की चौड़ाई हमारी कितनी है, ये रोड की चौड़ाई है, यानी हमारी 3 मीटर इधर होती है, 6 मीटर का रोड है तकरीबन, ठीक है, 6 मीटर का रोड, 3 इधर 3 इधर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे 2 मीटर 20 सेंटी ज़्यादा है, 25 सेंटी 2 मीटर 25 सेंटी हमारा ये गाड़ी की पार्किंग है, ठीक है। और यहाँ पर बरदूरा की शक्ल भी देखिए, ये बरदूरा ये पीछे इसको हम लोग बोलते हैं अबू शतफा,
इसको छथे वाला पर्दो रहा है, यानी हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिकोर, यानी कर्बस्टोन डिकोर वाला, और इसको हम बोलते हैं संदूकिया। ठीक है, इसको एग्रीकल्चर जो है ना वो भी कहा जाता है कर्बस्टोन। ठीक है, ये हमारा जो है ना ये हो गया। ठीक है, जिस हिसाब से ये कर्व लगा हुआ है, ये सामने आपको नज़र आ रहा है यहाँ से, ये इसका हमने सैंपल, ये देखा आपको नज़र आ रहा है स्टिक, ये स्टिक हमने लगाया यहाँ पे, एक स्टिक लगाया फिर इन स्टिकों को मिलाया और ये हमारी कर्व बन गई। यानी यहाँ से हमने इसको बेस पॉइंट बनाया, यहाँ से इसको ऐसे गोल गोल घुमाया, फिर हमारे पास इसका रेडियस बन गया, ये हमारे पास बन गया सिंपल। ये ठीक है, ये ऐसे हम इसको कार है, हर तरफ जो भी काम होगा ये तरीकेकार होगा। ठीक है, कर्व का ठीक है, ये एंगल है इसको, ये देखिए आप, ये तो 45 डिग्री के ऊपर है, इसको तो कोई ऐसा कोई इसके अंदर टेक्निकल इशू नहीं है। समस्या ये भी कोई बार बनता है तो वो ये कर्वो के अंदर बनता है, क्योंकि कंसल्टेंट जो है ना कोई अच्छा होता है, गुजर गुजर करता है, कोई जो है ना वो नहीं चाहता, वो गलती नहीं मानता। इसके लिए हम फिर क्या करेंगे, सिंपल ये तरीका है, इसके रेडियस का स्टिक लगाए और दो जो इसका स्टार्ट ऑफ कर्व है एंड ऑफ कर्व ये लगाए, और फिर जो है ना उसको बेस पॉइंट बना के रेडियस की पॉइंट को, और इसके ऊपर जो है ना आराम आराम से जो है ना उसको घुमाएँ, तो ये बिल्कुल जो है ना आपका बिल्कुल प्यारा खूबसूरत से जो है ना आपको कर्व बन जाएगा। ये देखो कैसे बुराइयों में आए हुए, ये देखो बिल्कुल बुराई के अंदर है। ठीक है, देखो ये बिल्कुल बुराई के अंदर है। ठीक है, ये सिंपल सा प्रोसेस है इसका। ठीक है जी,